नमस्कार, मैं रंजना आप सभी का स्वागत कर रही हूँ रंजनास चूल्हा में। आज हम बनाने जा रहे हैं भेलपूरी। स्ट्रीट फूड सबको खाना पसंद आता है, चटपटा सबको खाना पसंद आता है, तो चलिए आज सीखते हैं भेलपूरी बनाना। भेलपूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुरमुरा। मैंने मुरमुरा एक कप लिए हैं, जिसे इसको मुढ़ी भी बोलते हैं, मुरमुरा भी बोलते हैं। तो मैंने एक कप मुरमुरा लिए हैं। सेव भुजिया, फल्ली दाना, एक टमाटर, एक प्याज, दो उबले हुए आलू, तीन हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और सरसों तेल। सरसों तेल एक चम्मच देके हम फल्ली दाना को फ्राई करेंगे, उसके बाद एक चम्मच देके हम मुरमुरा को फ्राई करेंगे, तो टोटल सरसों तेल हमको दो चम्मच लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, आलू को भी उसी तरह से काट लेंगे। आलू को ज्यादा छोटा नहीं करेंगे हम, इसी साइज में करेंगे। धनिया पत्ती को भी हम बारीक काट लेंगे। धनिया पत्ती भी हमने काट लिए। मिर्ची को भी हम बारीक बारीक काटेंगे। अगर बच्चे हैं घर में तो मिर्ची को आप कम मात्रा में दे सकते हैं, क्योंकि ये तो चटपटा पीस है, तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची लगता है, स्ट्रीट फूड में लगता ही है। तो जब घर में बच्चे होंगे, बच्चे तीखा नहीं खा पाते हैं, तो मिर्ची को आप अपने हिसाब में डालिएगा। ये मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है भेलपूरी। मुंबई में हर जगह में खाते हैं, लेकिन मुंबई का ज्यादा नाम होता है कि भेलपूरी मुंबई का प्रसिद्ध है बोल के। टमाटर को भी उसी तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए सारे चीजें मैंने काट लिए। अब शुरू करते हैं भेलपूरी बनाना। सबसे पहले गैस तो ऑन करेंगे ही, क्योंकि बिना गैस ऑन किए कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने गैस ऑन कर दी। अब इसमें कढ़ाई जब गर्म होगा, तेल गर्म होगा, उसके बाद हम फल्ली दाना फ्राई करेंगे। दो टेबलस्पून हम सरसों तेल डाले, फल्ली दाना हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, आप चाहे तो फल्ली दाना को आप ज्यादा दे सकते हैं। मैंने दो टेबलस्पून फल्ली दाना दिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, इसको फल्ली दाना के फटते तक, तो क्रिस्पी बनेगा हमारा जो फल्ली दाना है। कच्चा फल्ली दाना को आप फ्राई करिएगा। देखिए चटकना चालू हो गया है। मार्केट में मिलता है भेलपूरी, लेकिन मार्केट का सफाई नहीं रहता है। जब घर में हम जान रहे हैं बनाना, तो घर में क्यों ना बनाएं और बच्चे को खिलाएं, क्योंकि आज के डेट में मार्केट का खाना थोड़े से सेफ नहीं है। इसीलिए आप जरूर घर में बना के अपने बच्चों को घर में बना के ही खिलाइएगा। हो सके तो मार्केट का ये स्ट्रीट फूड सब आप अवॉइड करिएगा। देखिए मेरा फल्ली दाना चटक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मुरमुरा, इसे भी एकदम क्रिस्पी होते तक फ्राई करेंगे। बच्चे घर में खुशी खुशी भी खाएंगे
और पेट भी उनका भरेगा, घर का तो साफ सफाई रहता ही है। तो जरूर आप ध्यान दीजिएगा, बच्चों के प्रति तो ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा, अपने प्रति भी ध्यान दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों के प्रति ध्यान दीजिएगा कि आप घर में ही बना के आप खिलाना पसंद करिएगा, क्योंकि बाहर से हम खाते हैं जरूर अच्छा लगता है, लेकिन बाहर से खा के हम बीमारी घर में लाते हैं। अच्छी तरह से इसको हम क्रिस्पी करते हुए इसको फ्राई करेंगे। मुरमुरा को आप इस तरह से फली दाना और मुरमुरा को इस तरह से अलग से भी ऐसे फ्राई करके आप खा सकते हैं, ये भी टेस्टी लगता है। भेलपूरी तो टेस्टी लगता ही है। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, क्योंकि भेलपूरी जब पीले कलर का होता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। इसको थोड़े से और फ्राई कर देंगे हम, क्योंकि हल्दी और लाल मिर्च पाउडर दिए हैं तो थोड़े से फ्राई हो जाएगा, नहीं तो स्मेल आएगा हल्दी हल्दी, तो इसीलिए थोड़े से इसको फ्राई कर देंगे। तो देखिए फ्राई हो चुका है, अब हम गैस को करेंगे बंद और शुरू करते हैं भेलपूरी बनाना। ये एकदम क्रिस्पी हो चुका है, देखिए अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। तो अब बंद करते हैं गैस को, इसको एक बाउल में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए मुरमुरा हमारा ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसमें देंगे प्याज, जो बारीक काट के हम रखे थे प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, टमाटर, आलू उबले हुए आलू, धनिया पत्ती, मैंने थोड़े थोड़े जो बचा के रखे हैं उसको ऊपर में गार्निश करने के लिए हम बचा के रखे हैं, और सेव भुजिया, तीन बड़े चम्मच सेव भुजिया, और चुटकी भर नमक डालेंगे, ज्यादा नमक नहीं देंगे, ज्यादा नमक देने से नमकीन हो जाए खा लेगा, इसको फिर अच्छी तरह से हम मिला देंगे। दिख रहा है ना मार्केट जैसा भेलपूरी, तो क्यों बच्चे खुशी खुशी नहीं खाएंगे इसको। तो जरूर आप घर में ये भेलपूरी बना के बच्चों को खिलाइएगा, बच्चे दूसरा दिन आपको फिर रिमाइंड करेंगे कि मम्मी आप भेलपूरी जरूर बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिएगा बच्चों का पेट भी भरेगा, हेल्दी भी है और घर का सफाई में भी बनता है, तो कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज आप घर में ही बना के खाइएगा। देखिए भेलपूरी बन के मेरा रेडी हो चुका है, देखिए मेरा भेलपूरी बन के रेडी हो चुका है। आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा और बच्चों को आप भेलपूरी खिला के बच्चों को पूछिएगा कि भेलपूरी घर में बनाए हैं तो भेलपूरी लगा कैसे, तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो नया नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, नमस्कार।